बनाना चाहिए आप बोल रहे हैं कानून ऑलरेडी बना हुआ है किसको डर है आपके कानून का ये बताइए ना कानून नहीं बना हुआ है क्या लॉ एंड ऑर्डर में हमारे लड़कियों की तरफ बुरी नजर उठा के देखने वालों के लिए भी अपराध श्रेणी में हुँ। बहुत हुँ। बड़ी है। कानून है तो कितने कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जरा आप हमको बताइए वो डॉक्टर को की नौकरी तो हम खाएंगे जाके अभी अभी कल आप भी जाने वाली है बिल्कुल कल हमारी महिला विकास मंच की पूरी टीम नवीनगर पहुंच रही है शाम चार बजे हम लोग वहां पे सभी लोगों से मिलने का काम करें आप क्या बात कर रहे हो पंद्रह सोलह साल की बच्ची बहुत बड़ी होती है आज के डेट में आप फिफ्थ सिक्स क्लास की जो बच्चियां हैं उनके घर में उनके रिश्तेदार उनके साथ गलत कर देते हैं और वो बच्ची डर के बता नहीं पाती है ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं नमस्कार दोस्तों हमारे देश में नारा तो लगता है की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन धरातल पर कितने बेटियों के साथ इंसाफ हो पाता है इसका इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के औरंगाबाद के उस लड़की के साथ हुए घटना से आप समझ सकते हैं इस पूरे मुद्दा पर क्या कुछ मुद्दा था प्यार मोहब्बत था या क्या कुछ था ऐसे में काफी लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रख पाते हैं तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम महिला विकास मंच के राष्ट्रीय संरक्षक बिना मानवी जी के साथ हैं सबसे पहले स्वागत है मैम बहुत बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमेशा से नारा लगते रहता है हर चुनाव का मुद्दा होता है बेटियों को इतना परसेंट आरक्षण उतना परसेंट आरक्षण हर चीज में बेटियों को छूट देने की बात की जाती है लेकिन धरातल पर जब जाते हैं ग्राउंड पर जब जाते हैं तो उन्ही बेटियों को कुचल दिया जाता है कैसे देख रही है देखिए ये जो आप जिस नारे की आप बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारे सरकारी मुद्दे हैं ठीक है और हमारी बेटियां जो हैं वो हमारी जवाबदेही है सरकार की जवाबदेही नहीं है एक घर का बच्चा जो है वो उनके माता पिता की जवाबदेही होती है तो हर चीज में हम सरकार को लपेटे ये भी सही नहीं है जहां पे जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम बात करें अब इस बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है ये जघन्य अपराध हुआ है फिर एक बार अब इसमें कहीं ना कहीं अगर वीक है तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर वीक है मैं बार बार ये कहती हूं हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं बार बार कि आप कड़ा कानून क्यों नहीं बनाते हैं आप हर इतना लाखों करोड़ रुपया तो कम से कम उतने क्षेत्र का एक मोदी जी पूरे देश को संभाल रहे हैं तो एक थाना प्रभारी अपने क्षेत्र को तो संभाल संभाल ही सकता सकता है है बिल्कुल तो वो संभाल सकता है तो उसका क्षेत्र कैसे अपराध रहित तो, हो ये उसका काम है उस थाने का काम है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ये है कि भ्रष्टाचारिता में लिप्त हमारा लॉ एंड ऑर्डर अब किसी को भी पुलिस से डर नहीं लगता ये आप मान लीजिए क्योंकि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं दिन रात हमारी टीम रोड पे है हमें पता है कि हम किस तरह काम करा रहे हैं हमें पता है तो इसलिए कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा हाँ बीस परसेंट लॉयल भी है लेकिन 80 प्रतिशत जो भ्रष्टाचारिता में लिप्त है उसमें वो 20 परसेंट वे लपेटे में आ जाते हैं अब इसी बच्ची का अगर हम बात कर ले बच्ची है उसका घटना देखकर काफी लोग कह रहे हैं कि गार्जियन को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कहाँ जा रही है कैसे है कहां नहीं है इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए देखिए मैं बता दूं आपको एक बात जितने भी रूरल एरियाज हैं जितने भी गांव हैं वहां पे पेरेंट के मानसिकता अभी भी उतनी ब्रॉड नहीं हुई है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली हो सके तो उसमें होता यह है इस बच्ची के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि वो आ, कहीं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही होगी या कहीं उसके साथ कोई ऐसी चीज घटित हो गई होगी कभी जो अपने माँ बाप से फ्रैंक ना होने की वजह से पा रही हो। कहने की मम्मी पापा हम ही को मारेंगे हम ही को पीटेंगे और डर से वो अपने माँ बाप को बता नहीं पा रही हो तो ये एक बड़ा अपराध का स्वरूप ले लिया है ठीक है तो इसलिए हमें अपने बच्चों के एक्टिविटी पे हमें अपने आसपास के हमें ये पता होना चाहिए हमारा बच्चा के दोस्त कौन है हमारे अभी क्या है ना कि जो उधर मतलब जो रूरल एरियाज है मदर्स लड़का से बात कर रही है ये कर रही है वो कर रही है इसको इसको भी अपराध समझ ले रहे हैं लेकिन नहीं अभी का जो जमाना आ गया है ना ये सोशल मीडिया का जमाना मोबाइल का जमाना आप लड़के और लड़की की दोस्ती को आप रोक नहीं सकते हैं आज के डेट में आप ये जानिए कि आपके बच्चे की दोस्ती किस बच्चे के साथ है आप उसके फ्रेंड सर्कल में घुस जाइए अगर वो घर में अपने दोस्तों को बुला के चाय पिलाना चाह रही है कि हम उसके यहाँ जाके पीते हैं तो मेरे घर में भी आए तो ये परमिशन दीजिए ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा किस सर्कल में उठ रहा है बैठ रहा है अचानक से कोई अपराध नहीं होता है अचानक से कोई इतना बड़ा अपराध का स्वरूप नहीं लेता है तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी सोचनी पड़ेगी और ये जघन्य अपराध जो हुआ है नगर वाला तो ये रियली बहुत क्रुकेट तरीके से हुआ है ये बिल्कुल इससे कहीं मतलब उससे निर्भया हत्याकांड से भी ज्यादा बड़ा अपराध है, बात है और बार बार ऐसे घा, ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं समाज में खास करके बहु बेटियों के साथ हमेशा से चाहे वो दहेज को लेकर हो या प्यार को लेकर हो प्यार पर भी काफी लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि प्यार में भी जो, आप जो बात बोल रहे हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा था या जो जो कुछ भी किया जा रहा था कहीं ना कहीं पंद्रह सोलह साल की लड़की अभी प्यार के चक्कर में बर्बाद हो रही है आप क्या बात कर रहे हो पंद्रह सोलह साल की बच्ची बहुत बड़ी होती है आज के डेट में आप फिफ्थ क्लास की जो बच्चियां हैं उनके घर में उनके रिश्तेदार उनके साथ गलत कर देते हैं और वो बच्ची डर के बता नहीं पाती है ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं तो ये ये कहीं ना कहीं ये संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं ये समाज के वो भेड़िए हो होते हैं जो बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं तो ये भेड़िए हैं समाज के जिनको अपराध श्रेणी में काउंट होना चाहिए जिनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे भेड़ियों को इस तरह का सजा होना चाहिए ऐसा मतलब हमेशा होते आ रहा है चाहे वो दिल्ली हो चाहे बिहार हो चाहे एम हो हमेशा कहीं ना कहीं से एक बड़ा कांड ऐसा देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को एक ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि दोबारा से ऐसी घटना करने से पहले सौ बार लोग सोचे बनाना चाहिए आप बोल रहे हैं कानून ऑलरेडी बना हुआ है किसको डर है आपके कानून का ये बताइए ना कानून नहीं बना हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर में में हमारे लड़कियों की तरफ बुरी नजर उठा के के देखने वालों के लिए भी अपराध श्रेणी बहुत तो बड़ी है। है। कानून है।, है तो कितने कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जरा आप हमको बताइए ये डर खत्म हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का भाई लॉ एंड ऑर्डर का आज ही जैसे इस बच्ची के मामले में क्या मामला सामने आया कि वो उसकी दोस्त और उसकी माँ और कुछ लोग कुछ लड़के भी इसमें शामिल हैं तो क्या आज 24 घंटे होने जा रहे हैं घंटे होने जा रहे हैं पुलिस के पास पुलिस को सीधे मां को उठा के अंदर डाल देना चाहिए भाई अगर आपसे बात भी हुई है उस बच्ची के घर के निकलने के पहले बात भी की है वो बच्ची आपसे तो आप बताओ कि बात करके बच्ची मेरी कहां गई तो ये सब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए वहां औरंगाबाद पुलिस को तो आराम से आप लोग बैठे हैं मेडिकल रिपोर्ट आ रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट में सुनने में आ रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसी कोई बात है नहीं तो जान गई कैसे जान गई कैसे जब कोई बात ही नहीं वो डॉक्टर को की नौकरी तो हम खाएंगे जाके अभी अभी कल आप भी जाने वाली है बिल्कुल कल हमारी महिला विकास मंच की पूरी टीम नगर पहुंच रही है शाम चार बजे हम लोग वहां पे सभी लोगों से मिलने का काम करेंगे